हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन द भांडे सर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो बहुत खास है और सबसे इंपॉर्टेंट, सिर्फ 5 मिनट में 1 घंटे की जो मुलाकात है वो मैं कंक्लूड करने वाला हूँ। सो दिस वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पॉलिटेक्निक, दैट इज डिप्लोमा एज वेल एज डिग्री स्टूडेंट्स, जो भी आते हैं अमरावती यूनिवर्सिटी के सारे कोर्सेस, इंजीनियरिंग, बीएससी, बीकॉम, बीए, सारे के सारे 3 ईयर 4 ईयर 2 ईयर सारे कोर्सेस, एमए भी आ गए उसमें, एंड मोस्ट प्रोबेबली डिप्लोमा एमएसबीटी एज वेल एज गवर्नमेंट, इन सारे के लिए आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो में मैं आपको कंक्लूड कर रहा हूं। मैं आपको बता दूं कि 17 मई को अपने अमरावती यूनिवर्सिटी के एग्जाम एंड वैल्यूएशन के इंचार्ज जो एचआर देशमुख सर है, उनका 1 घंटे का इंटरव्यू हुआ। वहां पे उन्होंने मौजूदा एजुकेशन सिस्टम जो है, एग्जामिनेशंस कैसे होंगे और बच्चों के जो सवाल थे उसके बहुत खूबसूरती से और बहुत अच्छे से जवाब दिए। लेकिन वो पूरी मुलाकात जो है वो 49.10 मिनट्स की है, मतलब करीब करीब 50 मिनट, मतलब मोटे मोटे तौर पे 1 घंटे की पकड़ लीजिए। तो पूरी 1 घंटे की मीटिंग है, तो मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स के फोन आए हैं कि वो पूरे 1 घंटे की मीटिंग को 5 मिनट में मैं आपके सामने कंक्लूड कर रहा हूं। आपको काफी ध्यान से सुनना है। मैं पहले से स्टार्ट कर रहा हूं। अपने पिछले वीडियो में जो बोला था वो 100% सही है उन्होंने बोला है, और कुछ जो टिपिकल क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है, उसके जो जवाब दिए है वो मैं आज बताऊंगा। अभी जैसे इंजीनियरिंग और डिप्लोमा वाले, इसको अच्छे से सुनिए। जैसे उदाहरण मैं इंजीनियरिंग का लूँ या डिप्लोमा का लूँ, उदाहरण इंजीनियरिंग का लिया तो वो 8 सेम का कोर्स है, डिप्लोमा का लिया तो वो 6 सेम का कोर्स है। नंबर 1 जो बात उन्होंने कही और जो सबको पता है कि जो रेगुलर सेम है उन सारे सेम को प्रमोट किया गया है सिर्फ फाइनल ईयर की फाइनल सेम छोड़ के, मतलब डिप्लोमा में 6 सेम का एग्जाम होगा और डिग्री में 8 सेम का होगा, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है। जो बच्चे फाइनल सेम में है उन बच्चों के यदि प्रीवियस के बैकलॉग्स है तो उसका एग्जाम होगा, जी हाँ उसका एग्जाम होगा, और कब होगा तो इसी के साथ होगा। जैसे इंजीनियरिंग में आप 8वें सेम को है तो 8वें सेम का एग्जाम होगा और 5, 6, 7 का बैकलॉग है तो होगा। सर 1, 2, 3 यदि वो बैकलॉग है तो वो बच्चा इधर ही नहीं आएगा, 1, 2, 3, 4 वाला, तो वो नहीं होगा 5, 6, 7 इंजीनियरिंग। डिप्लोमा 6 सेम का एग्जाम होगा, 6 के साथ आपका फर्स्ट ईयर छोड़ के 3, 4, 5 का एग्जाम होगा। क्लियर, ये हो गया, ये पहला था जो आपको पता था। अब उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बताई उन्होंने कि एक सवाल ये था कि यदि कोई बच्चा बैकलॉग का है, मतलब कोई बच्चा डीसी है, इस उदाहरण को समझ लीजिए, जो डीसी बच्चा है, डीसी बच्चे का इसके साथ कोई संबंध नहीं है क्योंकि वो रेगुलर में ही नहीं था, तो उसको प्रमोशन के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। दैट्स क्लियर, ओके। अब फाइनल ईयर की बात होगी। अब ये चीज़ है कि कोई बच्चा यदि 4th सेम में, 3rd सेम में उनके बैकलॉग्स है तो क्या उनके फाइनल ईयर को छोड़ के किसी के बैकलॉग होंगे, तो जवाब दिया है नहीं, उनके बैकलॉग्स नहीं होंगे। उनके बैकलॉग कब होंगे, तो जब सेशन शुरू होगा तो 120 दिन में जो एग्जाम होगी उनमें वो बैकलॉग दे सकते हैं, ये उनका हुआ। दूसरी बात, सपोज टू कि कोई स्टूडेंट यदि इसमें प्रमोट किया गया है, डीसी वाला स्टूडेंट, कि वो 4th सेम में डीसी था समझ लीजिए, और अभी वो इस स्कीम के तहत उसको एडवांटेज मिला है कि वो नेक्स्ट सेम में गया है, या उसको अलाउ की गई है एग्जाम्स, नेक्स्ट वाली सेम की एग्जाम अलाउ की है, तो यदि वो उस एग्जाम में सब्जेक्ट नहीं निकाल पाया तो क्या फिर से वो डीसी हो जाएगा, तो उन्होंने जवाब दिया है वो बच्चा फिर से डीसी नहीं होगा। तो उन्होंने मोटे तौर पे ये कहा है कि यदि उसको नेक्स्ट ईयर में प्रमोट किया जाता है तो उसको 3 एग्जाम देने के चांसेस मिलेंगे, मतलब एक बार जो डीसी है वो यदि प्रमोट यहां पर हुआ है उस क्राइटेरिया से, और यदि वो नेक्स्ट ईयर में गया है तो नेक्स्ट ईयर में वो 3 बार एग्जाम दे सकता है, और 3 बारी में वो फेल होता है तो फिर उसका स्टेटस एज ए डीसी रहेगा। मतलब आपको जितना एडवांटेज देना है वो बराबर 3 का एडवांटेज, वैसे भी आप खुद से भी पास होते और 3 इसमें यदि और नहीं निकालते तो और आप वैसे भी डीसी हो जाते, तो वो वाला रूल यहां पर लगेगा। ये एक बात उन्होंने कही है। इंपॉर्टेंट बात इन्होंने ये कही है कि जब आपका एवरेज निकाला जाएगा नेक्स्ट सेम में, जैसे 4th सेम में कोई बच्चा है 5th में जा रहा है, तो उसके 50% प्रीवियस ईयर के कंसीडर होंगे मार्क्स। तो प्रीवियस ईयर के मार्क्स कैसे कंसीडर होंगे, मान लीजिए 4th में है, 3rd सेम में उस बच्चे को 70% मार्क्स थे तो उसके 35% मार्क्स लिए जाएंगे। अब इसमें और अच्छे से बात सुनो, यदि वो बच्चा 3rd ईयर में फेल है, समझो 3rd सेम में फेल है, 4th में रेगुलर, 3rd में यदि वो फेल है तो भी उसके फेल के साथ, मतलब फेल हुआ और उसको समझो 60% है या 50% है तो 25 लेंगे, मतलब बच्चा फेल है तो उसका कोई नहीं है, उसका फेलियर स्टेटस नहीं देखा जाएगा, सिर्फ जो परसेंटेज है उसके
आधे ले जाएंगे, मतलब पास हो या फेल हो वह एज इट इज मार्क्स आपके आएंगे, ये इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही है। ऐसे कई सारे सवालों के जवाब वहां पे दिए हैं। और एक जेन्युइन क्वेश्चन था कि जो बच्चों का आठवां सेम अभी हो गया, वो पहले के ही थे, मतलब मान लीजिए वो 17-18 के बैच के थे, 18-19 के थे, उन्होंने दिया नहीं, लेकिन इस समय वो देना चाहते हैं और उनका आठवें सेम का बैकलॉग है, तो वो बच्चों का भी एग्जाम अभी होगा, वैसे बच्चों का एग्जाम अब होगा। मतलब समझ में आ रहा है ना, आठवां सेम जिनका हो चुका है पहले से, मतलब वो पास हो गए इंजीनियरिंग, लेकिन आठवें का कोई बाकी है तो उनका एग्जाम भी इसमें होगा। एक जेन्युइन क्वेश्चन था, इसका जवाब उन्होंने दिया है। डीसी वालों का भी मिल गया, बैकलॉग्स के भी जवाब मिल गए हैं कब होंगे। और मैं आपको फिर से बता दूं, जो बाकी के बैकलॉग्स है फाइनल ईयर छोड़ के, वो कब होंगे, 120 दिन में, जहां से कॉलेज स्टार्ट होगा वहां से 120 दिन में होंगे। हां, उन्होंने एग्जाम के बारे में भी कहा है कि एग्जाम सेंटर क्या हो सकता है, वो बॉडी डिफाइन करेगी, बॉडी डिसाइड करेगी, लेकिन वो हो सकता है कॉलेज में होगा या हो सकता है यूनिवर्सिटी कंडक्ट करेगी। यूनिवर्सिटी कंडक्ट करेगी तो वो पेपर यूनिवर्सिटी निकालेगी, और कॉलेज कंडक्ट करेगी तो पेपर कॉलेज निकालेगी। पेपर का जो पैटर्न है वो क्या रहेगा, तो उन्होंने मोटे मोटे तौर पे जवाब दिया कि उसका पैटर्न जैसा अपना अमूमन यूनिवर्सिटी का पैटर्न रहता है वही रहेगा, सिर्फ मार्क्स को 50% तक के रिड्यूस किया जाएगा, ये बात उन्होंने कही है। So it was an overall discussion of that one-hour interview. It was a very nice interview. और उसका conclusion मैंने आपके सामने लाया है। कोई confusion है तो आप हमें यहाँ पे comment में लिख सकते हैं। So thanks for watching this video and I again request please subscribe our channel and share as maximum as possible. Thank you very much.